हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 59A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट चल रहा है, सेक्शन 59 में आपको पहले डिस्कस करने जा रहा हूँ। सेक्शन 59A जो है वो 1929 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उससे ऐड हुआ था सेक्शन 59A। ये जो सेक्शन है ये बात करता है रेफरेंसेस ऑफ पर्सन डिराइविंग टाइटल फ्रॉम मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी से टाइटल डिराइव कर रहा है उन पर्सन्स के बारे में बात करिए। अब यहाँ बात आती है टाइटल क्या होता है। टाइटल का मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेन ओनर कौन है इस प्रॉपर्टी का, तो जो टाइटल है वो कैसे ड्राइव करेगा और उन पर्सन का रेफरेंसेस कैसे माना जाएगा। तो इसको अगर मैं जनरल आपको एक सेक्शन बताऊँ तो इसमें ये बात करी है कि जो मॉर्टगेजर है और जो मॉर्टगेजी है उन दोनों से अगर कोई पर्सन टाइटल ड्राइव कर देता है, टाइटल ड्राइव कैसे करेगा, या तो अगर मॉर्टगेजर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो लीगल हेयर्स हैं उनके पास प्रॉपर्टी आएगी, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी होगी वो उनका ओनर वही होगा मॉर्टगेजर, तो जो उसके लीगल हेयर्स हैं उसके पास प्रॉपर्टी आएगी। या फिर अगर ये प्रॉपर्टी सेल कर देता है मॉर्टगेजर किसी थर्ड पर्सन को तो वो थर्ड पर्सन के पास टाइटल आ गया। तो इसमें तीन चार जो है ग्राउंड्स बता रखे हैं। जो मेन सेक्शन है वो ये बात करता है अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, जब तक कि किसी पर्टिकुलर किसी प्रोविजन में स्पेसिफिकली प्रोवाइड ये नहीं किया जाता कि मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी दोनों जो ओरिजिनल मॉर्टगेजर और ओरिजिनल मॉर्टगेजी है सिर्फ वही रहेंगे, उनके अलावा कोई और थर्ड पर्सन नहीं आ सकता या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। रेफरेंस इन दिस चैप्टर टू मॉर्टगेजर्स एंड मॉर्टगेजीज। तो ये जो चैप्टर है हम चैप्टर नंबर अभी 8 पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं सॉरी मॉर्टगेजेस का। तो इस चैप्टर के अंदर जो मॉर्टगेजर्स हैं और जो मॉर्टगेजीज हैं उनके बारे में बात करिए। शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड, तो ऐसा माना जाए हमेशा कि मॉर्टगेजर्स होंगे और जो मॉर्टगेजीज होंगे वो क्या इंक्लूड करेंगे, किनको इंक्लूड करेंगे। रेफरेंसेस टू पर्सन्स ड्राइविंग टाइटल फ्रॉम देम रेस्पेक्टिवली, जो लोग मॉर्टगेजर्स और मॉर्टगेजीज से टाइटल ड्राइव करने वाले हैं वो सारे लोगों को यहाँ पे रेफरेंस एज ए पर्सन माना जाएगा कि वो ही मॉर्टगेजर हैं और वो ही मॉर्टगेजी भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है वो अपनी विल लिख के चले जाता है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी प्रॉपर्टी का मालिक ये व्यक्ति होगा और उस प्रॉपर्टी पे अगर मॉर्टगेज है, तो बाय विल आपने अगर किसी को बना दिया तो वो बाय विल जो है वो मॉर्टगेजर जो उसके जिस पर्सन को टाइटल जिस पर्सन को ट्रांसफ़र हो रहा है वो बाय विल वो उस प्रॉपर्टी का मॉर्टगेजर हो जाएगा। फिर आता है बाय इनहेरिटेंस, इसका मतलब ये है कि आज मेरी कोई प्रॉपर्टी है जिस पर मॉर्टगेज है, मेरी अगर डेथ हो जाती है तो जो मेरे लीगल हेयर्स हैं उनके पास जो भी प्रॉपर्टी आएगी, जो मेरी प्रॉपर्टी है मेरी प्रॉपर्टी का टाइटल अगर मेरे जो लीगल हेयर्स हैं उनके पास जाएगा, तो बाय इनहेरिटेंस तो सक्सेशन का जो लॉ है वो यहाँ लगेगा, तो बाय इनहेरिटेंस भी मेरा जो मॉर्टगेज है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर होता है बाय सेल और बाय कोर्ट सेल, ये दोनों अलग अलग है। कोर्ट सेल में तो ये है कि कोर्ट आपकी सेल प्रॉपर्टी करवाएगा, मतलब जब मॉर्टगेजी कोर्ट के पास जाएगा तो कोर्ट सेल करेगा, और बाय सेल में ये है कि मॉर्टगेजी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट हिमसेल्फ अगर वो सेल करना चाहे तो वो सेल कर सकता है। ये जो है सेक्शन 69 डील करता है और ये सेक्शन 68 डील करता है। यहाँ विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट है, यहाँ पे कोर्ट इंटरवीन कर रहा है सेल में कि ऐसे सेल होनी है, या जो प्रोविजंस हैं जो सेक्शन 68 में दे रखे हैं वो सारे फॉलो कर रहे होते हैं। तो अगर सेल करी है तो जो पर्सन प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है, जो ओनरशिप एक्वायर कर रहा है, जो ये मॉर्टगेज के साथ एक्वायर करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में मॉर्टगेज होगा उसका प्रॉपर्टी का रिडेम्पशन नहीं हुआ होगा, उसको पेमेंट नहीं मिला होगा, तो उस पर्सन ने सेल करी है। तो जब सेल करी है तो जिस पर्सन ने जो सेल करी है अब जो नया ट्रांसफरी है उसका ये टाइटल हो गया, तो वो पर्सन भी एज ए मॉर्टगेजर कहलाएगा। और अगर कोर्ट ने सेल करी है तो जिस पर्सन ने परचेज करी है जो ट्रांसफरी होगा वो भी यहाँ पे मॉर्टगेजर कहलाएगा। तो बात यही है कि जो लीगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी पर्सन को वो सारे लोग इस सेक्शन के अंतर्गत आए जाएंगे। तो रेफरेंसेस ऑफ पर्सन का मतलब वही है, वो सारे लोग जो रेफर करे जा सकते हैं मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी के अलावा अगर वो नहीं हो उनके बिहाफ पे। लेकिन अगर किसी प्रोविजन में एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि यहाँ सिर्फ मॉर्टगेजर पर्सनली लाइबल है, कोई और थर्ड पर्सन लाइबल नहीं है, कोई ट्रांसफरी लाइबल नहीं है, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल नहीं है, तो फिर वहाँ पे ये लाइबल नहीं होगा, वहाँ पे ये सेक्शन नहीं रहेगा। और जैसा कि मैं बता दूंगा 1929 के अमेंडमेंट एक्ट से ये सेक्शन आया था। थैंक यू।